मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बिजली महादेव रोपवे के लिए 250 करोड़ रुपए की लागत से 15 अगस्त से टेंडर लगाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को केंद्रीय सड़क फंड के तहत जल्दी पैसा जारी किया जाना चाहिए ताकि सड़कों की मुरम्मत की जा सके। हमने कहा कि जो CRF में हमारे राज्य का शेयर है, सभी राज्यों को मिलता है, उसमें उन्होंने बढ़ोतरी की बात की है, क्योंकि जो सभी राज्यों को शेयर मिलता है उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है वो उन्होंने कहा कि मैं 400 करोड़ 100 करोड़ रुपए की उन्होंने बढ़ोतरी बताई है, 300 करोड़ रुपए का तो CRF में हमारा शेयर था। और नेशनल हाईवे के लिए उन्होंने कहा कि हम 220 करोड़ रुपए जो डैमेज हुआ उसका देंगे, उसमें 80 करोड़ रुपया OR के लिए देंगे। मेरा ये प्रार्थना है कि हमें ये पैसे की तुरंत प्रभाव से जरूरत है। मैंने गडकरी जी से बिजली महादेव के प्रोजेक्ट को, जो सुंदर ठाकुर जी ने कहा था कि उसकी बात करना, हमने गाड़ी में बात की और मुझे खुशी है कि गडकरी जी ने बिजली महादेव का, जिसके टेंडर 3 महीने से पड़े हुए थे, जब मैंने उनके ध्यान में लाया उन्होंने वहीं से इसको चेयरमैन को फ़ोन किया कि बिजली महादेव का टेंडर क्यों नहीं अवार्ड हो रहा, तो आज कहा कि 15 अगस्त से पहले हो जाएगा। लेकिन इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी हमें धन की ज़रूरत है, हमें रिस्टोरेशंस की ज़रूरत है, और हम उस दृष्टिकोण से 70-80 करोड़ रुपये हमारा PWD विभाग उसमें खर्च कर चुका है। IPH को हमने अलग से पैसा दिया अपने रिसोर्सेज से, और हम चाहेंगे कि ये पैसा हमें तुरंत प्रभाव से मिले।